जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज एक न्यू वीडियो है जूम सेशन के। स्टूडेंट्स ने, काफ़ी लोगों ने ना जूम सेशन जो होते हैं हमारे, जो चल रहे हैं, जो हमारा बैच बन चल रहा है जूम सेशन का, उनमें काफ़ी लोगों ने ऑर्डर्स कंप्लीट करवाए हैं, किए हैं। तो सबसे पहले आज हम इंटरव्यू करते हैं और इनसे मोटिवेशनल स्टोरी इनसे सुनते हैं कि इन्होंने कैसे ऑर्डर कंप्लीट किया, कितने ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं इन्होंने, और सारा कुछ हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। जी सबसे पहले आप अपना इंट्रो करवा दें। सर मेरा नाम मोमना, मैं लिया से बिलोंग करती हूँ और मैं इसके अलावा मैं एक स्टूडेंट हूँ और साथ ही अब गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट की हुई है। जी मतलब आपका नाम मोमना नदीम है और आप लैया से हैं। ये बताएं, आपको ये गेस्ट पोस्टिंग का आइडिया कहाँ से हुआ, कहाँ से पता चला आपको? सर मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे इसके बारे में बताया था, उधर से मुझे इसके बारे में पता चला था लास्ट ईयर, लेकिन स्टार्ट अप की है तो। हाँ जी, अच्छा, उसके बाद मतलब आपको मेरा कहाँ से पता चला? मतलब मेरी जूम सेशन में आप जो बैच वन चल रहा है उसमें आप स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ ये जो है हमारा, वो कहाँ से पता चला आपको? सर वो मैम फराई क्लार्क ने आपका इंटरव्यू लिया था तो उसमें मुझे पता चला था कि ये आप सिखाते हैं। आपका यूट्यूब चैनल भी था तो उस पे वीडियोस पड़ी थी फ्री, पहले तो मैंने वो देखी, फिर आपने जो है ना ये फिजिकल और ऑनलाइन सिखाना स्टार्ट किया था तो फिर मैंने आपका ऑनलाइन बैच जो है वो ज्वाइन कर लिया और अब हमारा ये तकरीबन एंड भी होने वाला है। हमने काफ़ी कुछ सीख भी लिया इसमें, गेस्ट पोस्टिंग और कंटेंट राइटिंग। जी मुझे ये बताएं, आपको जो ऑर्डर्स मिले हैं, आपने 3 ऑर्डर्स कंप्लीट कर दिए हैं, और मतलब ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट जो थी वो बैलेंस में भी जी आ गई है। कहाँ से आपको ये ऑर्डर्स मिले, किस प्लेटफॉर्म से मिले, कितने डॉलर्स के मिले, और कितना प्रॉफिट हुआ आपको? सर एटसी से मिले और एक एक ऑर्डर $14 का था। मीन्स के 42 डॉलर्स के आपके ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 3 ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह 42 डॉलर्स के। जी। और जो आपने पब्लिश करवाया आर्टिकल, वो आपने को क्लाइंट ने दिया था या आपने खुद लिखा था? खुद सर खुद लिखा था लिखा था। वो किससे सीखा आपने, मतलब वो हमने ही या आपने वैसे सीखा हुआ था? सर, वो मैम हमें पढ़ाती हैं कंटेंट राइटिंग का कोर्स भी, गेस्ट पोस्टिंग के साथ हम कंटेंट राइटिंग भी सीखते हैं तो अच्छा मैम ने हमें सिखाया कि कंटेंट राइटिंग हम ना मतलब अगर किसी को मैन्युअली नहीं भी आती तो वो भी जो है टूल्स की मदद से कंटेंट लिख सकते हैं जी। जी ठीक है। मतलब आपको वो जो हमारा बैच है उसमें मतलब मैम जो हैं वो कंटेंट राइटिंग करवाती हैं, उनसे ही सीखा, और उसी से जो ऑर्डर जी लगा आपको, वहां से आपने अपने क्लाइंट के लिए जो एड से भी आपको ऑर्डर मिला, आपने उसका ऑर्डर जो कंप्लीट करने के लिए आर्टिकल भी वो लिखा, एंकर और यूआरएल तो उन्होंने दिए होंगे ना क्लाइंट ने? जी सर, एंकर दिए थे और URL, फिर जी, वो मैंने आपको बस वो सिखाया भी भी था कि आपने एंकर कैसे जी लगाने हैं आर्टिकल के अंदर यूआरएल। जी सर, उसकी वीडियो YouTube पे भी है और वैसे आपने हमें जी क्लास में भी सिखाया था जी जी सर। उसके बाद आर्टिकल आपने आप लिखा, और आपने अपने आथर पब्लिश करवाया था या एडमिन पोस्ट थी? ये सर आर्थर पोस्ट आथर पोस्ट थी। और इसमें मतलब आपने कितने पैसे दिए आथर को? 1500 1500। और मतलब 3 ऑर्डर्स का आपने दिया उसको 4500 रुपया, ऐसा ही है? यस 4500 रुपया दिया। और अगर आज का जो अगर हम रेट देखें गूगल का, वो मेरे ख्याल से 287 मेरे ख्याल से है, 279 हो गया, कम हो गया, और 42 डॉलर बनते जी हैं आपके 11720। आज का जो रेट है जी 2279 है चल रहा है, मीन्स कि आपको 11000, मीन्स कि कम से कम आपको 4000 का प्रॉफिट आपको हुआ है। जी सर मतलब 4000 से भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 4500 तो आपने दिया है और 11000, मीन्स कि 6-7 हज़ार का, 7000 प्लस का प्रॉफिट आपको हो गया 3 ऑर्डर से, क्योंकि आपने अपना जी खुद आर्टिकल भी लिखा। आगे जाके आप जी एज अ कंटेंट राइटिंग भी सर्विसेज दे सकती हैं, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में लोकल क्लाइंट से मिल सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग आपको आ गई है, कंटेंट राइटिंग भी आ गई है। यस अब मुझे ये जी बताएं सर। कि आपको फ्यूचर क्या लग रहा है गेस्ट पोस्टिंग का? सर जब तक गूगल है तब तक गेस्ट पोस्टिंग है जी, और और इसका मुझे मतलब हाँ जी 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 बोले। जी सर, इसका ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। ये एक तो शॉर्ट स्किल है पहली बात, और दूसरी बात ये कि इजीली बंदा सीख जाता है और फिर अप्लाई करना स्टार्ट कर दे, प्रैक्टिस करता रहे तो इंशाल्लाह
एक ना एक दिन मतलब अच्छी वो अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब उसके बाद आपने ये लिंक्डइन पे काम नहीं किया? लिंक्डइन पे मतलब एड से प्रमोटर लगे, लिंक्डइन पे आपने काम नहीं किया? लिंक्डइन, फेसबुक? सर उधर उधर भी कर रही हूँ, और इस पे बस वेबसाइट्स डालनी थी तो वो एक दफा डाल दी थी, और उधर भी मतलब हम क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं तो इंशाल्लाह वहां से भी इंशाल्लाह। कोई मुझे जल्दी ये बताएं, क्लाइंट मिल जाएगा। आपको एक ही वेबसाइट पे ऑर्डर लगे हैं या डिफरेंट वेबसाइट्स पे ऑर्डर लगे हैं आपको? सर एक ही वेबसाइट पे हैं तीनों। मैंने ना क्लास में भी कहा था जूम की, और इसके अलावा जो हमारा जो है यूट्यूब पे मैंने बताया था कि अगर आपको एडसे पे एक वेबसाइट भी आपको मिल गई ना, एक अच्छी वेबसाइट जिस पे ऑर्डर एक भी लग गया, तो आपको ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी। मीन्स ऑर्डर लाइन लगने का मतलब ये नहीं है कि आपको डेली एक ऑर्डर आएगा उस पर, मतलब ये है कि आपको ऑर्डर उस साइट पे आना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, आपको एक ही साइट के 3 ऑर्डर लग गए, मतलब वो डिफरेंट क्लाइंट से आपके या सेम टू सेम थे? से डिफरेंट डिफरेंट थे। अब एक चीज मुझे जी। इसमें मुश्किल लगती है कि क्लाइंट निकलता नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की वैसे, लेकिन आपको आपको चाहिए कि आपको पैसे आने चाहिए। फिलहाल आपको पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट आपको बच रहा है। अब जी एक या दो सर ऑर्डर लगेंगे ना आपको, तो आपका विड्रा आ जाएगा। मीन्स के मैंने बताया भी था आपको, विड्रा के लिए आप जो बाइनांस का USDT/S20 का लिंक है वो भी आप ऐड कर लें। जी सर उसके जी अलावा सर मतलब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर शेयर करना चाहें यूट्यूब पे जो देख रही है पब्लिक, उसके लिए? सर पहले तो मैं ये कहूंगी कि पहले फ्री वाला एक दफा देख लें जो सर का कोर्स है, वो उसमें सब जी कुछ बताया हुआ है। फ्री करने के बाद जो है ना, जब आप फ्री कर लें एक दो दफा उसकी उनकी वीडियोस देख लें, उसके बाद फिर जो है आप जरूर जो है पेड एक दफा ज्वाइन कर लें ताकि आप उसको प्रोफेशनली सीख लें। जब आप उसको प्रोफेशनली सीख लेंगे फिर उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह फिर वो आपकी लाइफ टाइम के लिए आपने एक चीज सीख ली होगी और वो आपको बहुत फायदा देगी। जी ऐसा ही है। चलें, जी अल्लाह सर आपको और कामयाब करे और ऑर्डर्स लगें। बाकी इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह जो जितने भी लड़के हैं, जितने भी फीमेल्स हैं जिनको ऑर्डर लगे हैं जूम पे, हम उनका भी आगे जाके करेंगे जूम सेशन। तो थैंक यू सो मच जी फॉर सर योर टाइम। इंशाल्लाह दुआ जी यही है कि आप काम करते रहें, और जो यूट्यूब पे देखने वाली पब्लिक है इंशाल्लाह उसको भी यही है कि क्विट ना करें, काम करें एडसे पे, आई कॉपीफाई पे, ई रेफरल पे, उसके अलावा फाइवर पे, अपवर्क पे, लिंक्डइन पे, बहुत ज़्यादा ब्लॉग रिसर्च, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स, रीसेलिंग, जी आपके सामने इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने ज़्यादा मौके हैं। लेकिन आप ये है कि आप हर प्लेटफॉर्म पे काम करें या आप एक प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट कर लें, लेकिन आप क्विट ना करें। आपके पास मौके हज़ार हैं, लेकिन आप क्विट ना करें, दिल बदजन ना करें। इंशाल्लाह इस फील्ड में बड़ा पैसा है, बहुत पैसा है इस फील्ड में, आपकी सोच है। और ये कभी ना खत्म होने वाली फील्ड है, और इन्वेस्टमेंट भी जीरो होती है। हाँ ये था कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर मिला ना एडसे पे, तो आप अपने जेब से पैसे दे के अपने ऑर्डर कंप्लीट करवाया, ऐसा ही है, यस सर ऐसा ही है। लेकिन ये था कि क्लाइंट ने पेमेंट दी हुई थी एडसे वालों को, यस सर ठीक है, यस तो इसलिए इसमें इतना डरने की जी बात नहीं होती। जो रीसेलिंग होती है उसमें हमें डर लगता है कि क्लाइंट, हम जो रीसेलर है, हम पेमेंट ना दे तो हमें क्या होगा, उधर स्कैम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर ये होता है तो फिर इधर नहीं होता मोस्टली। अगर एडमिन के थ्रू होगा ना आपका आर्टिकल पब्लिश करवाया एडमिन के थ्रू, तो उसको आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद भी पेमेंट दे देना तो वो इशू नहीं होगा। लेकिन एक ईमेल कर दें कि पेमेंट का इशू है तो मैं आपको 2 दिन बाद दे दूंगी, तो वो इशू सॉल्व हो जाता है। चलिए यस सर ठीक है, इंशाल्लाह और भी मोटिवेशनल जी वीडियोज और जो है इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आएंगे डेली यूट्यूब चैनल पे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।